दोस्तों आज जो है कंसील सिस्टम लगाएंगे, वो भी क्या वाला, एयर फ्लश, ये हवा से होने वाला है। बट यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे चीज़ बताऊंगा। काटने का सिस्टम थोड़ा सा अलग दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसका क्या करूँगा, मैं ढक्कन खोल लेता हूँ जो स्क्रू होता है। लेकिन एक चीज़ जानकर रखिएगा, फ्लश टैंक कभी भी कंसील सिस्टम लगाते हो ना, तो टाइल्स वाले भी हो ना, अगर आप क्लाइंट देख रहे हो तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम कर जाता है। आप कभी भी फिनिशिंग काम करोगे आपका प्रॉब्लम होएगा और ख़राब दिखेगा, जैसे कि इसमें हुआ है। चलिए दिखाते हैं। तो काटने का स्टाइल देख लीजिए पहले, जो प्लम्बर भाई है यहाँ पर काटने का स्टाइल ये जो है, बहुत सारे भाई को पता नहीं है। देखिए नॉर्मली चार कोने में काटना है और ऐसे नीचे की साइड ऊपर की साइड एक बार दबाना है, निकल जाएगा। लेकिन ये साइड जो है थोड़ा सा आपको एक जगह में कटिंग करना पड़ेगा, जो दो स्टाइल से दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला कट करना पड़ेगा। तो पहले मैं जो हूँ नीचे का तोड़ लेता हूँ, सेम ऐसे ही, ठीक है, ऊपर की साइड दबाना है या नीचे की साइड। और ये जो काटना है टाइल्स का लेवल में काटना है, टाइल्स का बाहर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ये चीज़ हमेशा ना जान कर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए, एक आप ऐसे सिस्टम से भी काट लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, मतलब पूरा भी नहीं काटना है, मतलब ऐसे क्या है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जो बचा है आप तोड़ दीजिए, या फिर नीचे से भी काट सकते हो, ठीक है। ये वाला जो है आपको सिर्फ कट करना है, ये मोटा वाला एंगल जहाँ पर स्क्रू टाइट होता है। और चलिए और एक सिस्टम है, नहीं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ मैं यही कट कर रहा हूँ, और सिर्फ यही कट करके भी आप तोड़ सकते हो, लेकिन टाइल्स का लेवल में, टाइल्स से बाहर नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा भी अंदर मत तोड़िएगा, ठीक है। 1-2 mm अंदर हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है टाइल्स वाले का, तो ये चीज़ हमेशा टाइल्स वाले भाई को ध्यान देना चाहिए और क्लाइंट को भी बताना चाहिए, क्योंकि प्लम्बर तो काम करके आ जाते हैं तो वो नहीं रहेंगे। अब जो है कनेक्शन पाइप आपको खोलना पड़ेगा नेक्स्ट। अपर पार्ट कभी भी लगाते हो ना, तो कनेक्शन पाइप आपको पहले खोल कर उसका पानी निकालना पड़ेगा, नहीं तो जाम होएगा। और इसमें एक फिल्टर रहता है, जो आपको उतना तो प्रॉब्लम नहीं होएगा, लेकिन क्या है पहली बार लगाते हो तो खोल कर पानी निकाल देना चाहिए, ये चीज़ सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कनेक्शन पाइप वैसे खोल लीजिए पूरा। और दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो में बहुत मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है, आसानी है, तो ताकि आप लोग लाइक करिए और मुझे भी अच्छा लगे, और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपको ऐसे सिंपल निकालना है, और फिर क्या करना है, ये वाइसर निकाल के सिंपल सा है, उधर का एंगल को खोलना है। यहाँ का तो फिलहाल पानी बंद है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम था इसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों को सीख भी जाएंगे जो कैसे लगाना है। इस एंगल को आपको ऐसे खोलना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका पानी बाल्टी से हो किसी से भी ऐसे निकालना है, जैसे कि यहाँ पर पानी नहीं निकला है, बट इसका पानी निकालना पड़ेगा चालू करके। तो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ, इसका सिस्टम जो है पूरा बता देता हूँ आपको सेटिंग करके, ठीक है। तो उसके बाद इसे फिर से आपको कनेक्शन पाइप से ऐसा लगा देना है, ठीक है। अब लगने के बाद जो है ना, ये नट को यहाँ पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका देख लीजिए, यार पाइप जो है आपका, मतलब लेवल पाइप जिसे हम बोल सकते हैं, इसे आपको निकाल लेना है। और ये जो है काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, लेकिन आपको इतना बड़ा रखना नहीं है, काट देना है बेवजह। लेकिन हाँ, पूरा लेवल का नहीं, थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि इंसिडेंट ऐसा कभी होता है थोड़ा सा काट के बाद देना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बड़ा यहाँ काट लेता हूँ। और यहाँ ब्लेड अगर आज तो होता है ना आपके पास, जो सब्जी वब्जी काटती है, तो उससे काटेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। वो ब्लेड हमारे पास नहीं है, तो एक्सो ब्लेड से काटूँ तो उससे क्या है फिनिशिंग आता है, तो काट लेना है। उसके बाद हम आपको अपर पार्ट दिखाते हैं, यहाँ पर सिंपल है, लेकिन अपर पार्ट में हमेशा फिटिंग करना है, जो ये आप लोगों को पता नहीं, कभी भी कोई भी अपर पार्ट लगाते हो तो उसे ध्यान देना है पहले। पहले यहाँ पर देख लीजिए, दो होल दिया है दोनों में, ये दोनों में आपका पाइप लग जाएगा। और आप लोगों से एक सवाल रहेगा, वो तो मैं बताऊँगा, क्वेश्चंस करूँगा आप लोगों को, पर यहाँ पर ये डिज़ाइन देख लीजिए, प्लास्टिक जो है ना लॉक इसे बोलते हैं हम लोग, और ये जो लॉक है ये दबने वाला है, तो हमेशा इस सब चीज़ को ध्यान देना है। मैं कैसे पकड़ रहा हूँ देख लीजिए, ऐसे आपको पकड़ना है और नीचे की साइड ऐसा प्रेस करिए, देख लीजिए कितना आराम से निकला है। तो ऐसा चीज़ जो है ध्यान देना है। और एक चीज़ है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, चलिए चलिए मैं अभी कैसे लगाऊंगा, ये ऊपर लगाऊंगा कौन सा या नीचे, तो ये चीज़ का जो है ध्यान कैसे देंगे आप, अगर आपको समझ में नहीं आता है, इसे हम लगा लेते हैं। और ये जो है आपका सिस्टम कोलर जो यहाँ पर लिखा होएगा, कोई भी कंपनी का, कंपनी में नाम लिखा हुआ रहता है, और उसका नाम जो है आपको स्ट्रेट ऐसा लिखा रहना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए जो हाँ कोलर में सीधा पढ़ पा रहा हूँ। उसके बाद ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला मेरा हिस्सा लोग जो है वो नीचे रहेगा, तो ऐसे समझना है और लोग को ऐसे नीचे रखना है, ठीक है। और एक चीज़ है ये देख लीजिए, जो चिकनाई है, मतलब इस साइड जो है प्लेन है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का प्लेन जो है वो बाहर रहेगा, क्यों, वो सिस्टम से चिपक के था, जो अपर पार्ट प्लेट था उसे चिपक के था, तो वो आपको लगाना है। उसके बाद आता है आपका दो स्क्रू,
इसके साथ और कुछ नहीं दिया जाता है। स्क्रू जो है आपका इसमें सिंपल जो है टाइट कर देना है, पर यहीं पर आप देख लीजिएगा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसा काम तो आपको कभी नहीं करना है। आप प्लम्बर हो या फिर टाइल्स वाले, टाइल्स वाले यहाँ थोड़ा सा गलती करने की वजह से ख़राब दिखता है और ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहले मैं यहाँ पर एक साइड स्क्रू टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और जानकारी यहीं पर ही बेस्ट होएगा आप लोगों का। ये जो है देख लीजिए, ये जो है इनसाइड आ गया है, ठीक है। मुझे ये वाला जो है मतलब दबा कर लेना पड़ रहा है, अंदर आ चुका है तो ये बाहर जाएगा। तो ये कैसा काम है, जो आप मसाला टाइट से भर रहे हो और ये दब जा रहा है, इसे आपको दबाना नहीं है, आपका नॉर्मल जैसा है वैसा रहेगा और उसके ऊपर ही आपको टाइल्स लगाना है। और जो है टाइल्स जो है जो बॉक्स आता है उसका फिक्स टू फिक्स लगाना है। अगर बड़ा हो जाएगा ना, मतलब ज़्यादा बड़ा टाइल्स कर देंगे, होल ज़्यादा हो जाएगा तो आपका परेशानी हो जाएगा, प्लेट लगेगा, ख़राब दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको टाइट अच्छा से कर लेना है। और एक चीज़ यहाँ हम बता देते हैं, जैसे कि ये जो आप फ्रेम देख रहे हो, प्लास्टिक फ्रेम जो लगाया हूँ अभी, ये चीज़ जो है ना टाइल्स का बाहर होना चाहिए। अब टाइल्स अगर ज़्यादा काट देंगे तो ये वाला जो चीज़ है ना अंदर चले जाएगा। चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं कौन सा वाला फ्रेम आपका बाहर रहेगा। ये जो ब्लेड लग रहा है ना, ये इनसाइड फ्रेम का इनसाइड वाला टाइल्स में चिपक के रहना चाहिए। अगर आप टाइल्स का हिस्सा बड़ा काट देंगे तो टाइल्स में चिपक के कहाँ से रहेगा, वो तो अंदर चल जाएगा ना। तो यहाँ पर परफेक्ट तो है, बट और भी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था टाइल्स, ठीक है। नीचे होता तो परफेक्ट आपका जो फिनिशिंग आता है, जो प्लेट लगता है, वो आपका अच्छा दिखता है। आप एक राइट साइड में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, यही चीज़ है। और इसे लगाना दिखाता हूँ, फिर आपको फिनिशिंग में पता चल जाएगा, ठीक है। इसका दोनों में आपको कनेक्शन करना है एयर पाइप, और देखना है आपको यहाँ पर, इसे हम चलिए एक लगा देते हैं। अगर लुब्रिकेंट मतलब ऐसे पानी से भी आप भिगा कर लगा देंगे तो इजी होएगा, मतलब सूखे में थोड़ा सा टाइट लगता है जाने में, ठीक है। नहीं तो थूक भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थूक से भी कर सकते हो हल्का सा, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, उसके बाद आराम से ऐसे चले जाएगा, ये हो गया। आप इससे हम फ्लास करके दिखाते हैं और एक चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। ये दोनों को ध्यान दीजिएगा और दोनों जो उठेगा देख लीजिए। और फ्लास टैंक में जो दो देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं दो फ्लास कर रहा हूँ, दो उठ रहा है, ठीक है, देख लीजिए। तो ये वाला जो है ये दो क्यों दिए है, जैसे कि ये छोटा वाला मैं फ्लास करूँगा, छोटा वाला उठेगा, तो ये एक छोटा क्यों देते हैं और फ्लास में एक बड़ा क्यों देते हैं, इसका क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लोगों को पता है कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये देख लीजिए उठ रहे हैं, तो इसे आपको लगाना कैसा है, ये सवाल है। एक आप लोगों को आइडिया लगाना है, जो ये दो क्यों देते हैं, एक में भी तो हो जाएगा लेकिन दो क्यों देते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब लगाने का सिस्टम क्या है, नीचे से आपको लेना है थोड़ा, क्योंकि नीचे लॉक था, और थोड़ा सा क्रॉस रखना है नीचे पहले, उसके बाद ऐसे ऊपर उठाना है और जब पूरा लग जाएगा तो ऊपर दबा देना है, बस ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, पहले इस साइड तो परफेक्ट बैठा है, टाइल्स में चिपक गया है, जो ख़राब भी नहीं दिखेगा क्योंकि टाइल्स जो है लेवल लेवल में था। बट यहाँ पर आप राइट साइड में अगर देखेंगे तो वो बहुत ही मतलब ख़राब दिख रहा है, वहाँ पर सीमेंट वगैरह भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाता है बाथरूम को, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कितना ख़राब दिखा रहा है ये वाला चीज़, तो यही कमज़ोर दिखाता है। तो यहाँ पर टाइल्स वाले भाई को मैं बोलूँगा, ये चीज़ परफेक्ट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। और वीडियो का जानकारी अगर अच्छा लगा है तो दूसरे तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, और अभी तक लाइक भी नहीं किया तो जरूर लाइक करिएगा। फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय।